हाँ भाई, तो क्लास यहाँ पर हम लोगों ने आज बात की है माइटोसिस के बारे में, ठीक है ना। तो माइटोसिस के बारे में हम लोगों ने क्या बात की, पहली बात कि ये आपकी सोमैटिक सेल्स में होती है, जो हमारे सेल्स पर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में बात की, ठीक है। तो माइटोसिस के बारे में क्या बात कर रही थी, तो ये सोमैटिक सेल्स में होती है, ठीक। दूसरी बात, इसमें वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल बनी, बनी थी कि नहीं बनी थी, बनी थी। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो सेम रहते हैं, सेम रहते हैं ना भाई। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो जो पेरेंट सेल में है वही आपके डॉटर सेल्स में जाते हैं, ठीक है। देखो भाई, नंबर इक्वल बना लेता है, जबकि मियोसिस में कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। कोई चेंज नहीं था, मतलब से आपका टू एस बना, ठीक है। वही अगर हम लोग म्यूसिस की बात करते हैं तो भाई म्यूसिस को हम शायद दो स्टेज में पढ़ते हैं आपके, है ना, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड। तो स्टेज फर्स्ट में आपकी हैप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड बनती है ना, फिर हैप्लॉइड से आपकी फिर से हैप्लॉइड तो बनता है, तो एक सेल से फोर सेल्स बनती है उसमें। तो क्लास, अब यहाँ पर हमारी ये चीज कंप्लीट हो चुकी है, कोई परेशानी, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए लिख रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी पुरानी सेल्स है, ठीक है ना, ओल्ड सेल्स, ठीक है, अगर ये सेल्स आपकी डैमेज हो जाती है किसी भी तरह से, ठीक है, तो माइटोसिस की वजह से भी इन ओल्ड सेल्स को यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। ये ओल्ड सेल्स होते हैं जो डैमेज हो जाती है, उनको रिप्लेस जो रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, आपकी न्यू सेल्स के द्वारा, ठीक है। ओल्ड सेल्स चले गए, आ चुके हैं न्यू सेल्स, आ चुके हैं, या फिर न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो आपकी माइटोसिस से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, एटलीस्ट ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। चलिए क्लास, अब हम इसके आगे बात करेंगे आपकी नेक्स्ट है कि, अच्छा एक खास बात और, जब हम बात करते हैं आपकी माइटोसिस के बारे में, ठीक है, तो माइटोसिस के बारे में सबसे पहले डिस्कवर किया था एक एनिमल, एनिमल सेल में सबसे पहले स्टडी की थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शेरी, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग ने सबसे पहले स्टडी की थी, देखिए अगर हम बात करें प्लांट सेल में, ठीक है, तो प्लांट सेल में जिस साइंटिस्ट का नाम आता है स्ट्रॉसबर्ग, ठीक है। तो स्ट्रॉसबर्ग ने प्लांट सेल में स्टडी की थी माइटोसिस की, जबकि एनिमल सेल में फ्लेमिंग ने। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब
always, that is the meiosis. ठीक ना, तो जब हम लोग बात करते हैं meiosis के बारे में, तो meiosis cycle जो है, ठीक है, किस वजह से होती है आपकी जर्म सेल्स, जर्म सेल्स ये क्या होती है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं. जब हम बात करें आपके जर्म सेल्स के बारे में, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में अगर हम बात करें एम्ब्रियोस, ठीक है, आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताए थे कि मियोसिस में क्या होता है. वन पेरेंट सेल से क्या बनती है, फोर डॉटर सेल्स. नहीं बताया था, है ना, जबकि आपकी माइटोसिस में क्या होता है, वन पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा. माइटोसिस में वन सेल से टू डॉटर सेल्स बनती है, जबकि मियोसिस में वन से फोर बनती है. ठीक है, तो जब हम बात करें फीमेल्स, ठीक है, तो फीमेल्स में क्या होता है, आपकी वन पेरेंट सेल्स, ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ वन ओवम बनता है, ठीक है, और थ्री पोलर बॉडीज बनती है. कितनी बनती है, फोर, देखिए फोर सेल्स आते हैं, वन ओवम और थ्री पोलर बॉडीज, ठीक है ना, और ये पोलर बॉडीज जो होती है इनएक्टिव फेज में रहती है, जो बाद में काम आती है. लेकिन यहाँ पर मेन जो होती है, जैसे एग फॉर्मेशन जो होगा उसको इसे होता है आपका मियोसिस की वजह से होगा. गॉट इट, ठीक है, इसलिए डर हो जाएगा. अब हम बात करें अगर इन मेल्स, ठीक है, तो मेल्स में क्या होता है, मियोसिस की वजह से इसमें सिर्फ फॉर्मेशन होगा, होते हैं फॉर्मेशन ऑफ फोर स्पर्म्स, ठीक है, ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें आपके मेल्स के, तो यहां पर वन पेरेंट सेल क्या बनते हैं, फोर स्पर्म्स बनते हैं. ठीक है, ये फोर स्पर्म्स जो होते हैं, कैसे होते हैं, आपका होते हैं, दूसरी बात मोबाइल फेज में रहते हैं. मोबाइल मीन होता है आपका इसे जो लोकोमोट कर सकते हैं, लोकोमोट समझते हैं ना, नहीं समझते, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है ना, गति कर सकते हैं, जा सकते हैं. आपको ये सुना होगा जो स्पर्म्स होते हैं, टेल प्रेजेंट होती है, हाँ, तो जो बोलते हैं मोटाइल, ठीक है ना, तो जो मोटैलिटी होती है, ठीक है, मोबाइल फेज मतलब होता है जो मतलब गति कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी चीज से होता है मोटैलिटी वाइज, ठीक है ना, तो यहाँ पे मोबाइल फेज प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो आप लोग समझिएगा इस चीज को, यहाँ पर कैसे रहेंगे, एक्टिव फेज में रहेंगे. ठीक है, तो क्लास इसके बारे में हम लोग बाकी बातें करेंगे. ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इतना, बाकी तो इट्स खैर हम कल करो. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे.